रॉकेट चाहे दिवाली पर चलाने वाला हो या अंतरिक्ष में जाने वाला विशाल काय रॉकेट सबका सिद्धांत एक ही है पीछे की ओर से तेजी से गैस निकलती है और उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप रॉकेट को ऊपर की ओर गति मिलती है पर यह प्रतिक्रिया क्या है आइए ये समझने का प्रयास करते हैं हम सबने देखा है कि बॉल जमीन पर फेंकने से जमीन से टकराकर वापस ऊपर उठती है ऐसे ही हम जम्पी पर कूदने से वापस उछल जाते हैं और कैरम बोर्ड के खेल में स्ट्राइकर बोर्ड के किनारे से टकराकर रिबाउंड हो जाता है यानी वापस लौट आता है पर कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है इसका कारण है कि जब बॉल जमीन से टकराती है तो जमीन पर एक बल लगाती है बदले में जमीन भी बॉल पर उतना ही बल लगाती है जिसके कारण बॉल वापस उठ जाती है यही कारण है जंपी पर कूदते बच्चे के वापस उछलने का या स्ट्राइकर के रीबाउंड होने का वास्तव में जब भी कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है इन बलों में से एक को कहते हैं क्रिया और दूसरे को प्रतिक्रिया तो आइए क्रिया और प्रतिक्रिया को समझने के लिए इस नाव को ध्यान से देखें बच्चे के नाव से कूदने पर क्या होता है हम्म नाव पानी में पीछे की ओर क्यों चली जाती है इसका कारण है कि कूदते समय लड़के के पैर नाव को पीछे की ओर धक्का देते हैं इस बल के कारण नाव पीछे की ओर चलती है और नाव लड़के पर आगे की ओर प्रतिक्रिया बल लगाती है जिसके कारण लड़का किनारे पर पहुंच जाता है इसमें दो बल लगे क्रिया नाव पर और प्रतिक्रिया लड़के पर दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बलों का विस्तार से अध्ययन किया प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन ने और बताया कि ये दोनों बल परिमाण में बराबर तथा दिशा में एक दूसरे के विपरीत होते हैं न्यूटन ने अपने इस कथन को गति के तृतीय नियम के रूप में व्यक्त किया किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है पर ध्यान देने की बात यह है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक ही वस्तु पर कार्य नहीं करते बल्कि सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं इस बात को समझने के लिए जरा इस लड़की को देखें जो पहिए वाली कुर्सी पर बैठी है जब लड़की मेज को सामने की ओर धक्का देती है तो कुर्सी पीछे चल पड़ती है लड़की ने मेज पर बल लगाया तो मेज ने लड़की पर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया लगाई जिसके कारण कुर्सी पीछे चल पड़ती है तो क्रिया लगी एक वस्तु पर और प्रतिक्रिया हुई दूसरी वस्तु पर तो आइए क्रिया और प्रतिक्रिया पर आधारित कुछ मजेदार खेल देखते हैं क्या देखा जब कार आगे बढ़ती है तब गत्ता पीछे की ओर चलता है जरा सोचिए यहां क्रिया प्रतिक्रिया बल किस किस वस्तु पर लग रहे हैं दैनिक जीवन में और प्रकृति में अनेक स्थानों पर हमारा क्रिया प्रतिक्रिया बलों से सामना होता है आइए जरा देखें बच्चों क्या आपने सोचा कि नाव को पतवार से चलाने के लिए हम क्या करते हैं नाव चलाने के लिए पानी को पतवारों से पीछे की ओर धकेला जाता है इस बल की प्रतिक्रिया के कारण ही नाव आगे की ओर बढ़ती है और जब नाव को पीछे की ओर चलाना होता है तो पतवार से पानी को हम आगे धकेलते हैं और इस प्रतिक्रिया के कारण नाव पीछे की ओर बढ़ती है जितने अधिक बल से पानी को हम धकेलेंगे, उतना ही अधिक प्रतिक्रिया बल नाव पर लगेगा और नाव उतनी ही तेजी से बढ़ेगी आइए अब हम इन तैराकों को देखते हैं पानी में तैरते समय आगे बढ़ने के लिए तैराक क्या करते हैं ये अपने हाथों और पैरों से पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं अर्थात पानी पर पीछे की ओर बल लगाते हैं और पानी तैराक पर प्रतिक्रिया बल लगाता है जो उसे आगे की ओर धकेल देता है जब तैराक डुबकी लगाने के लिए डाइव करता है तो भी क्रिया प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं यहां पर क्रिया प्रतिक्रिया बल किस किस वस्तु पर लग रहे हैं तैराक डाइविंग बोर्ड को दबाकर उस पर क्रिया बल लगाता है और डाइविंग बोर्ड उसके ऊपर प्रतिक्रिया बल लगाता है जिसके कारण तैराक को आवश्यक उछाल मिलता है मछली भी पानी में आगे बढ़ते समय क्रिया प्रतिक्रिया बलों का ही उपयोग करती है पानी को पीछे धकेलने के लिए मछली अपने फिन यानी पंख का उपयोग करती है क्या आप बता सकते हैं कि यहां क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल किस प्रकार लग रहे हैं क्रिया प्रतिक्रिया बल का अनुभव बंदूक से गोली चलाते समय भी होता है गोली तेजी से आगे की ओर निकलती है और उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बंदूक पर पीछे की ओर धक्का लगता है क्रिया प्रतिक्रिया का एक और उदाहरण देखते हैं आग बुझाने वालों के पाइप से पानी बहुत तेजी से आगे की ओर निकलता है इसके नोजल के पास लगे हैंडल को आग बुझाने वाले कर्मचारी को कस कर क्यों पकड़ना पड़ता है क्योंकि तेजी से निकलते पानी की प्रतिक्रिया के कारण नोजल पर पीछे की ओर बल लगता है यदि पाइप न पकड़ा जाए तो इस प्रतिक्रिया बल के कारण नोजल पीछे भागता है वैसे उद्यानों में इस तरह के फवारे तो आपने देखे ही होंगे जैसे ही पानी निकलना शुरू होता है तो ये घूमने लगते हैं कभी सोचा है आपने ऐसा क्यों होता है इसे समझने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं इस थर्मोकोल के ग्लास में हमने चार सुराख किए हैं ये सभी सुराख तिरछे किए हैं ग्लास को एक बारीक धागे से इस तरह से लटकाया हुआ है अब हम इस ग्लास में पानी डालेंगे अरे ये क्या ये ग्लास घूमने क्यों लगा निकलते हुए पानी की प्रतिक्रिया के कारण ही ये ग्लास घूमता है और ऐसा ही होता है उद्यानों के फव्वारों में आपने देखा आकाश में ऊपर उठते हुए रॉकेट को गति पीछे की ओर तेजी से निकलती हुई गैसों की प्रतिक्रिया के कारण मिलती है और इसी बात को समझने के लिए हम एक छोटा सा प्रयोग करते हैं यहाँ पर एक धागे में हमने स्ट्रॉ डाल रखा है इस गुब्बारे को फुलाते हैं इस गुब्बारे का मुंह हाथ से बंद कर लेते हैं इसे स्ट्रॉ से टेप के द्वारा चिपकाते हैं इस गुब्बारे के मुंह को यदि हम छोड़ दें तो क्या होगा अरे ये गुब्बारा तेजी से आगे की ओर क्यों चला गया <laughs> गुब्बारे के मुंह से तेजी से हवा निकली तो गुब्बारे पर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगा जिसके कारण गुब्बारा आगे की ओर गया और ठीक ऐसा ही होता है ऊपर जाते हुए एक रॉकेट में रॉकेट के अंदर जलते हुए ईंधन के कारण गैस तेजी से पीछे की ओर निकलती है जिसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप रॉकेट पर ऊपर की ओर बल लगता है और रॉकेट को गति मिलती है तो आज हमने अपने दैनिक जीवन और प्रकृति में क्रिया और प्रतिक्रिया के उपयोग के कई उदाहरण देखे अपने आसपास जरा ध्यान से देखिए कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल कहां और कैसे लग रहे हैं